पूरे भारत में पाटीदार पटेल और पाटिल को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में पाटीदार को जनरल यानी सामान्य वर्ग में क्यों रखा गया है और गुजरात के पाटीदारों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन क्यों किया था, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में पाटीदार समाज के लोग बसते हैं। पाटी का मतलब होता है ज़मीन और दार का मतलब होता है मालिक, यानी ज़मीन का मालिक। जिसके पास पट्टा ज़मीन होती थी वह उस ज़मीन में अनाज उगाता था और उसे ही पाटीदार कहा जाता था। आगे चलकर पाटीदार दो समूहों में विभाजित हो गए, जो कि श्री राम के पुत्र लव और कुश से संबंधित हैं। लव से लेवा पाटीदार और कुश से कड़वा पाटीदार। ऐतिहासिक रूप से लेवा सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में बसे हैं, जबकि कड़वा पटेल मूलतः उत्तरी गुजरात के निवासी रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि रीति रिवाजों और वित्तीय स्थिति में अंतर के कारण कड़वा और लेवा के बीच कभी रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। लेवा पटेल अपने कड़वा समकक्षों की तुलना में आर्थिक स्तर पर ज़्यादा मजबूत रहे हैं, क्योंकि वह भौगोलिक रूप से मध्य गुजरात में बसे थे, जो संसाधन और आधुनिकता के असर के लिहाज से ज़्यादा संपन्न क्षेत्र में आता है। उनके ताकतवर बनकर उभरने का एक कारण यह था कि मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान पाटीदार कर संग्रह का काम करते थे, जिसने जाति पदानुक्रम में उन्हें एक अहम स्थान दिलाया। उस समय वे गुजरात के 200 रियासतों के लोगों से राजस्व एकत्र करते थे। उच्च जाति के राजपूत जमींदार होते थे। पाटीदार अपने उत्थान के लिए खड़े हुए और अंततः उन्हीं जमीनों का स्वामित्व हासिल करने में सफल रहे। गुजरात के पटेलों को 1955 के भूमि सुधार अधिनियम में काफी लाभ हुआ। इसके बाद हरित क्रांति ने पहले से ही संपन्न समुदाय की अगली पीढ़ी को और भी ज्यादा समृद्ध जमींदार बना दिया। दूर दराज के गांवों तक पानी पहुंचना और नकदी फसलों के चलन के साथ पाटीदार और भी ज्यादा अमीर हो गए। गुजरात और महाराष्ट्र के पाटीदार इतने अमीर हो गए थे कि उनके पास उनकी जरूरतों की सभी चीजें उपलब्ध हो गई थी। और बताया जाता है कि पाटीदार इतने अमीर और समृद्ध हो गए थे, इसीलिए उन्हें उच्च श्रेणी जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग में रखा गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके जॉब में किसी तरह का आरक्षण नहीं मिला तो उनकी समस्याएं बढ़ने लगी। पाटीदार समाज को ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करवाने, उनको आरक्षण दिलवाने के लिए आंदोलन भी हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद एक यंग नेता की एंट्री हुई जिसका नाम था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने 2015 में अनामत नाम से एक आंदोलन शुरू किया, जिसका मकसद था पाटीदार समाज को ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करवाना, उनको आरक्षण दिलवाना। हार्दिक पटेल के दमदार भाषण से पाटीदार समाज के लोग आरक्षण के लिए सड़कों पर उतर गए। पूरे गुजरात में शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, आज पूरे गुजरात में 50 लाख लोग पार आ गए। और सिर्फ एक ही बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और देखते ही देखते लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बताया जाता है कि उस आंदोलन में आगजनी और हिंसा भी हुआ था, जो कि बहुत ही गलत था, जिसमें बहुत सी जानें भी गई थी। विरोध प्रदर्शन का मामला गुजरात हाई कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने 2016 में आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया और हार्दिक पटेल को दंगे और आगजनी का दोषी पाया गया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद 2019 में तत्कालीन रूपाणी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया था। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।